गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ रमेश कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा. अपन जो सब्जेक्ट है आपके थर्ड ईयर में, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, उसमें अपन 8086 का माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर अपन जो आपका आज का लेक्चर है वो माइक्रो प्रोसेसर पे है. तो माइक्रो प्रोसेसर के जो आउटलाइन है वो निम्न प्रकार है. फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर कब ये बना था उसके हिस्टोरी अपन इसके बारे में जानेंगे. उसके बाद में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो डिजिटल आईसी की फॉर्म में होता है. तो जो डिजिटल आईसी के ऊपर जो लॉ होता है मूरेज लॉ, उसके बारे में पढ़ेंगे. देन एवेल्यूएशन ऑफ आईसी टेक्नोलॉजी, जो आपके आईसीज बनी है वो कब क्या बनी थी उसके बारे में पढ़ेंगे. एवेल्यूएशन ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका एक ट्री डायग्राम बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. की फीचर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या होता है. देन इसकी एप्लीकेशंस एंड एजुकेशनल एंड कोर्स आउटलाइंस. तो फर्स्ट अपन चल रहे हैं आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता वो कब बना था. तो उससे पहले आपका जो इसमें सर्किट जो काम में लेते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे. तो 1947 में आपका फर्स्ट ट्रांजिस्टर डिज़ाइन हुआ था, जो आपके साइंटिस्ट थे सोकले ने, उन्होंने डिज़ाइन किया था. तो 1947 में आपका ट्रांजिस्टर डिज़ाइन हुआ था. इससे पहले आपके इसमें ट्रांजिस्टर की जगह ट्यूब काम में लेते थे. तो ट्यूब का जो साइज होता था वो बहुत बड़ा होता था, साथ के साथ उसमें जो ट्रांजिएंट कैपेसिटेंस होता है उसका भी इफेक्ट होता था, जिससे आपकी जो एप्लीकेशन हो या आपका उसको वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता था, टाइम डिले हो जाता था. तो जो साइज और साइज की वजह से और आपका ट्रांजिएंट कैपेसिटेंस की वजह से जो आपकी प्रॉब्लम होती थी वो आपकी ट्रांजिस्टर्स में अवॉइड हो गई. तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो बहुत बड़ा एक इन्वेंशन हुआ था आपका, जिसमें वही काम आपका जो ट्यूब में करते थे वही आपका ट्रांजिस्टर में करते हैं. तो फर्स्ट जो आपका ट्रांजिस्टर बना था वो 1947 में होता. उसके 10 साल बाद में आपकी फर्स्ट आईसी बनी. आईसी क्या होता है, आपका इंटीग्रेटेड सर्किट. इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता है, आपके जितने भी सर्किट होते हैं आपके उसमें, जैसे अपन ट्रांजिस्टर की बात करें, ट्रांजिस्टर को जब अपन काम में लेते हैं तो इसके साथ अपन को आपके रजिस्टर भी लगाना पड़ता है, उसको कैपेसिटर भी लगाना पड़ता है. तो वो आपको जितने भी एलिमेंट लगाते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं. लेकिन जब आईसी की बात करते हैं तो ये जो भी सारे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे उसी के अंदर आएंगे. तो क्या हो गया, जो सर्किट था उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेट कर लिया, उसको बांध दिया है. तो जो आपका फर्स्ट आईसी बनी थी वो 1957 में बनी थी. अब जैसे ही आपके आईसी बनी तो जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो उसमें जो आईसी में जो सर्किट अपन काम में लेते थे या आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काम में लेते हैं या नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं, वो उनकी संख्या बढ़ती गई. क्योंकि ट्रांजिस्टर का साइज आपका जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई छोटा होता गया. तो उसी जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हैं या नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं कितने आएंगे, उसके लिए मूरेज ने एक लॉ दिया, जिसको अपन बोलते हैं मूरेज लॉ. और ये 1965 में दिया था. देन इसके बाद में 1974 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन हुआ, और उसके
2 साल बाद में ही आपका माइक्रो कंट्रोलर डेवलप होगा। तो ये आपका इसका जो आईसीज है उसका बैकग्राउंड है। इसके बाद में 1976 के बाद में नए नए माइक्रो प्रोसेसर आए गए, माइक्रो कंट्रोलर आ गए। आजकल आपके इंटेल के भी आते हैं, पेंटियम पेंटियम i7 चल रहा है अभी। तो नए नए माइक्रो प्रोसेसर आ गए, उनमें नई नई टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं। तो फर्स्ट है आपका मूरेज लो। तो मूरेज लो ने आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट की डेंसिटी है उसके बारे में बताया कि आपके जो 1965 में इन्होंने फर्स्ट नियम दिया, इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि जो कंपोनेंट डेंसिटी है वुड बी डबल इन एवरी ईयर। आपके हर साल आपके जो कंपोनेंट डेंसिटी है या नंबर ऑफ कंपोनेंट एक पर्टिकुलर एरिया में, जो आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट या नंबर ऑफ आपकी जो कंपोनेंट्स की संख्या है वो आपकी डबल हो जाएगी हर साल। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बीता तो ये आपको जो फर्स्ट लॉ है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो इन्होंने 1975 में नया नियम दिया। इन्होंने बोला कि आपका जो भी कंपोनेंट डेंसिटी है वो आपकी डबल होती है वो 18 मंथ में होती है। तो फर्स्ट ज़्यादा हो आपका हर साल डबल हो रहे थे, अब जो मॉडिफाई लो दिया उसमें क्या हुआ, बोला 18 मंथ में नंबर ऑफ कंपोनेंट आपके डबल हो जाएंगे। तो ये आपका आईसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो ये आपके कभी कभी मूरेज लो का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। मूरेज लो के अकॉर्डिंग ही आपकी ये ग्राफ बना है। तो ग्राफ में देखते हैं कि आपका यहाँ पे आपके 1971 में आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बना था 4004 जो आपका 4 बिट का होता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर थे वो आपको कितने थे, 23। उसके बाद में 8008 आया, फिर 8080 आया, फिर आपका 1976 के लगभग आपका कितना कौन सा आ गया यहाँ पे 8085 आया। तो ये अपन जो सर्किल कर रहे हैं ये इंटेल के हैं, इसके साथ में भी आपके अलग अलग कंपनियों के अलग अलग आपके माइक्रो प्रोसेसर हैं। तो जो आपका 8085 होता है उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितने होते हैं, 10,000 के लगभग। और जो आपका 1976 के लगभग आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर आया, और 1995 में आपका पेंटियम जो आपके इंटेल कंपनी डिजाइन करती है इसने पेंटियम के नाम से माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन किया, जिसमें आपके जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है 10 लाख के लगभग है, 10 लाख से ऊपर है। 2010 की बात करें तो यहाँ पे अपन ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे आपके कोर 16 आ रहा है, यहीं पे आपका कोर i7 आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपके i7 भी आ रहा है 2011 में। इसमें जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो आपकी ये है, ये कितने हैं, 2 अरब के लगभग आपके ट्रांजिस्टर प्रेजेंट है। तो ये हर साल क्या है, जैसे आप ईयर वाइज ईयर चलोगे तो हर साल ये क्या हो रहे हैं, लगभग आपके डबल हो रहे हैं। इसी को एक ग्राफ में बताया हुआ है 1971 से लेकर के 2011 तक। देन अपन माइक्रो प्रोसेसर में चलते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें एक आपका जो जनरली होता है सीपीयू होता है,
सीपीयू होता है और उसके साथ आपके मेमोरी होती है और आपके इनपुट आउटपुट बस होती है। तो ये इनको अपन बोलेंगे इनपुट आउटपुट और ये आपकी मेमोरी तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि अपन माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्यों पढ़ते हैं। अपन कोई भी अपन सब्जेक्ट है कि आपका ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ेंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या हम अपने आसपास जो भी डिवाइस होते हैं सभी में लगा होता है। जैसे अपन बात करेंगे फ़ैन, अपने पास फ़ैन होता है नॉर्मली, उसमें क्या माइक्रो प्रोसेसर काम आता है? नहीं आता है। क्या अपने एसी का जो रिमोट कंट्रोल है उसमें माइक्रो प्रोसेसर है? तो हाँ है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है क्योंकि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर सॉरी आपकी जो एसी है वो आपकी कंट्रोल हो रहा है, और जबकि आपका जो फैन है उसको आप कंट्रोल कर रहे हो, ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो जैसे आपका फ़ैन अपन ऑन कर देते हैं तो वो आपको एक पर्टिकुलर स्पीड से चलने लग जाता है। तो आपका जो फ़ैन है उसमें किसी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और जो आपका एसी है उसमें अपन क्या होता है आपकी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। तो जहाँ अपन और प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, जिससे आपके काम है वो ऑटोमेटिक हो जाए। तो जहाँ पे आपका ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट होती है या जहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है वहाँ पे अपन को माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की ज़रूरत होगी, इसलिए अपन माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर में तीन पार्ट होते हैं, एक आपका माइक्रो सीपीयू होता है और एक आपकी मेमोरी होती है, एक आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं ये डेटा को माइक्रो प्रोसेसर के अंदर या आपके मेमोरी में लाने और ले जाने का काम करेगा। तो जो आपका इनपुट पोर्ट्स है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ये आपको पैरेलल में डेटा को भेजता है, और सीरियल इनपुट आउटपुट है वो आपको डेटा को सीरीज में भेजेगा। जबकि मेमोरी है वो आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है या डेटा है उसको स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इनपुट आउटपुट और मेमोरी है इनका आपका डेटा के प्रोसेस से कोई लेना नहीं देना नहीं होता है, आपका जो भी प्रोसेस करेगा वो आपका सीपीयू करेगा। तो सीपीयू के अंदर आपका एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एक रजिस्टर होता है, एक टाइमिंग यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है। तो कंट्रोल यूनिट होती है वो कंट्रोल सिग्नल भेजती है, वो किसके थ्रू भेजेगी? ये बस के थ्रू। तो ये बस में जो आपका बीच में डायग्राम बना हुआ है इंटरफेस का, ये आपका बस का इंटरफेस है। तो जो मेमोरी के साथ और आपका इनपुट आउटपुट के साथ जो कम्युनिकेशन होगा वो बस के थ्रू होगा। तो यहाँ से डेटा कहाँ से लेना है वो सारे कंट्रोल यूनिट भेजती है, और किस टाइम पे भेजना है उसके लिए यहाँ पे टाइमिंग यूनिट होती है। इसके अलावा जो डेटा आपका मेमोरी से आएगा, इनपुट आउटपुट से आएगा या भेजा जाएगा, तो उसके लिए कंटेनर चाहिए, और वो जो कंटेनर का काम करेगा वो यहाँ पे एक जो काम करेगा वो आपका रजिस्टर होगा। तो रजिस्टर क्या काम करेगा? टेम्परेरी डेटा को स्टोर करेगा। उसके बाद में डेटा पर काम करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए जो यूनिट काम आती है वो आपकी होती है ELU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी उसमें क्या प्रोसेस करना है वो आपका ALU परफॉर्म करेगा। तो ये पूरा का पूरा काम क्या करता है आपका CPU, और इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है। नेक्स्ट है जो जनरेशन है या जो नेक्स्ट है आपका जो आईसी है वो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर अपने अभी पढ़ा, माइक्रो प्रोसेसर में जो भी सीपीयू होती है वो मेमोरी होती है
ये और इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो सारे सारे अलग अलग होते हैं। तो इसलिए इसमें आपकी जो स्पीड होती है वो धीरे होती है और इसका साइज़ भी आपका बड़ा होता है माइक्रो प्रोसेसर का। इसको अवॉइड करने के लिए अपन माइक्रो कंट्रोलर काम में लेते हैं। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो हुई आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है, लेकिन इसमें जो भी आपकी अलग अलग डिवाइस हैं उनको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। तो इसमें जो कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर के ही हैं, बस उनको एक साथ इंटीग्रेट कर दिया है। यानी एक आईसी के अंदर सारे के सारे ये आपके पार्ट्स हैं इस माइक्रो प्रोसेसर के, वो इंक्लूड हो गए। तो ये सीपीयू हो गया है, यहाँ पे आपका रैम हो गई है, ये रोम हो गया है, ये टाइमर हो गया है, सीरियल पोर्ट हो गया है, ये आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो गए। तो सारे के सारे जो माइक्रो प्रोसेसर था वो ही आपका माइक्रो कंट्रोलर में है। बस माइक्रो कंट्रोलर में अपन जितने भी आपके पार्ट्स हैं माइक्रो प्रोसेसर को उनको इंटीग्रेट कर देते हैं एक आईसी के अंदर, वो आपका माइक्रो कंट्रोलर बन जाता है। इवोल्यूशन ऑफ आईसी टेक्नोलॉजी, आपकी आईसी कब बनी थी? तो आपका जो फर्स्ट आईसी थी, आईसी का इवोल्यूशन यानी उनमें कब क्या बना था, तो आपका जो फर्स्ट आईसी बनी थी या फर्स्ट ट्रांजिस्टर बना था इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो 1947 था। उसमें एक कंपोनेंट काम में आया था। फिर 1950 से लेकर के 1960 तक जितने भी आपके डायोड हैं वो बने, ट्रांजिस्टर बने, वो ही उन पे आपके वर्किंग हुई। सारे जितने भी ट्रांजिस्टर हैं डायोड हैं इनको अपन अलग अलग जोड़ के अपन काम में लेते थे। देन 1961 से लेकर के 1965 में एसएसआई टेक्नोलॉजी काम आई। एसएसआई को अपन बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड। इसमें जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो आपके 10 से लेकर के 99 कंपोनेंट काम आते थे। और इसमें जो डिजाइन हुए वो आपके जनरली ये होते हैं प्लानर डिवाइसेस, लॉजिकल गेट जो अपने एंड और गेट होते हैं, और साथ के साथ फ्लिप फ्लॉप। देन नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आई जिसको अपन बोलते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, ये लगभग 1966 में से लेकर के 1970 के बीच में आई। इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं वो आपके 1000 से लेकर के 1000, यानी इसमें जो ट्रांजिस्टर काम में लिए वो 1000, 100 से लेकर के 1000 तक काम में लिए। और इसमें जो सर्किट डिज़ाइन होके आए, जो डिजिटल सर्किट डिज़ाइन होके आए, वो आए आपके काउंटर्स आए, मल्टीप्लेक्सर आए और डिकोडर आए। देन 1971 में आपकी LSI टेक्नोलॉजी आई, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। 1971 से लेकर के 1979 इसमें जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आए वो आपके 1000 से लेकर के 20000 तक आए। और इसमें जो आईसी डिज़ाइन हुई वो हुई आपकी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जो आपका 8086 होता है। इसके अलावा आपके इसमें रैम और रोम डिज़ाइन हुई। तो रैम और रोम क्या होते हैं? मेमोरी होती है, वो इस पार्ट आपका LIC का ही है। इसके बाद में जो टेक्नोलॉजी आई वो आपकी VLSI आई। VLSI में लगभग आपकी 1980 से लेकर के 1984 के बीच में आई। और इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आए वो आपके 20000 से लेकर के 50000 तक। और इसके जो डिवाइस डिजाइन हुई वो आई आपका 16 और 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, यानी जो आपका 8086 है वो आपका 1980 के लगभग डिजाइन हुआ। इसके अलावा DSP और RISC जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, और आपके RISC जो माइक्रो प्रोसेसर हो, सारे के सारे VLSI टेक्नोलॉजी में आए। इसके बाद में 1985 में लगभग आपकी ULSI आपकी टेक्नोलॉजी आई,
जिसमें 64-bit माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन हुआ। इसमें 50,000 से ज़्यादा ट्रांजिस्टर काम में लिए गए। तो ये आपका एवोल्यूशन ऑफ आईसी टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपकी LSI, SSI, MSI इसमें आपके कितने कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आपका 8 माइक्रोप्रोसेसर कौन सी टेक्नोलॉजी का है, आपका 8086 किस कौन सी टेक्नोलॉजी का है, 64-bit माइक्रोप्रोसेसर होता है वो कौन सी टेक्नोलॉजी का है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देन इवोल्यूशन ऑफ ट्री, यानी अपन जानते हैं जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन हुए, क्योंकि आपका हर माइक्रो प्रोसेसर होता है वो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए काम में नहीं लिया जाता है। कहीं कहीं पर आपके डेटा को प्रोसेस करने में काम में लिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग टाइप के माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन हुए। तो जैसे आपके ऑटोमेशन काम में लिया जाता है तब अपन इनको एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, और इसमें माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर आपके काम में लिया जाते हैं। तो आपके जो इसको जो अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में बांटा गया है इसका एवोल्यूशन। तो यहाँ पे ये जो आपकी एक ब्रांच है ये आपका एम्बेडेड सिस्टम, यानी जहाँ पे ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे अपन ये माइक्रो प्रोसेसर काम में लेते हैं। इसके अलावा आपके जो डेटा प्रोसेसिंग होती है तब अपन जो काम में लेते हैं वो आपके ये एक अलग से आपके ये प्रोसेसर काम में लेते हैं, जहाँ पे हाई जब ज़्यादा पावर वाली एप्लीकेशन आपको परफॉर्म करनी है तब अपन रिस्क पे NTM ये आपके माइक्रो प्रोसेसर काम में लेते हैं, और स्पेशल पर्पज़ के लिए आपका ये काम में लेते हैं। जैसे आपका डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करनी है तब अपन कोई माइक्रो प्रोसेसर काम में लेंगे, तो अब आपका 2920 काम में लिया जाता है, 320 TMS अलग अलग कंपनी के हैं, जैसे आपका इंटेल का हो गया, कोई मोटोरोला का हो गया, आपका जो एप्पल का हो गया, तो हर कंपनी के प्रोसेसर इसमें काम में ले रहे हैं। तो यहाँ से जो इसका जो रूट होगा वो आपका बेसिक जो आपके 1976 तक जो आपके माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंशन है वो आपके रूट्स में आएंगे। इसके बाद में ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बना था वो आपका 4-bit का बना था। ये एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है जो आपने ट्री डायग्राम में देखा वो ही आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो 1971 में आपका 4004 आपका माइक्रो प्रोसेसर था जो आपका 4-bit का था, जिसमें केवल अपन एडिशन वाली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। 8086 है वो 1971 में बना था, और इसमें जो आपकी 8-bit आपकी ट्रांजिस्टर काम में लेते थे, और इसकी जो क्लॉक स्पीड होती थी वो आपकी 2 MHz होती थी। तो जैसे जैसे आपकी क्लॉक स्पीड बढ़ती जाएगी आपकी माइक्रो प्रोसेसर की जो कैलकुलेशन है प्रोसेसिंग करने की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये आपके इस तरीके से आपके ये माइक्रो प्रोसेसर है। कभी कभी इन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो 8080, 8085, 8086 ये 3 ही पूछे जाते हैं जनरली कंपटीशन में, उसमें आपके नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितने होते हैं और वो कितने बिट का होता है और कब डिजाइन हुआ, तो ये आपको 3 का ध्यान रखना है। देन
देन टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर होता है जनरल पर्पज प्रोसेसर हो जाते हैं, ये आपका जनरल पर्पज में भी दो पर्पज हो जाते हैं, एक आपके जैसे घरों में जो अप्लायंस होती हैं जैसे आपके कोई आपका फ्रिज में लगा हुआ है उसमें उनको अपन जनरल पर्पज प्रोसेसर में काम लिया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होते हैं उसको भी अपन जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर में काम में लिया जाता है। देन एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोसेसर यानी कोई आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है उसके लिए आपके तीन टाइप के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। तो इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो आपकी हाई होनी चाहिए, कॉस्ट भी आपकी कम होनी चाहिए और पावर आपका कम कंजम्पशन होना चाहिए। तो ये जो आपका स्पेशली होते हैं वो आपका DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होते हैं, यानी जो आपका डेटा को डिजिटली आपको प्रोसेस करना होता है, जैसे अपन कहीं से इमेज लें फिर उसको प्रोसेस करना होता है तब अपन DSP माइक्रो प्रोसेसर काम लेंगे। एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड सर्किट एल्गोरिथम जैसे अपन को इम्प्लीमेंट करनी है तब अपन ESIC काम में लेंगे और ऐसे ही आपका ESIP माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें हार्डवेयर के साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो माइक्रो प्रोसेसर का बैकग्राउंड था यानी कब ये एवोल्यूशन हुआ, कितने टाइप के माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है और इसका क्लासिफिकेशन अपन कैसे कर सकते हैं वो अपन ने आज पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन 8086 माइक्रो प्रोसेसर का अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अपन माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जाना इतना ही आप आज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।